हैं, हम सब करताल ध्वनि से उनका अभिवादन करेंगे। नमस्कार। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC नई दिल्ली और एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर EMRC गुजरात विश्वविद्यालय के संयुक्त उपक्रम से आयोजित 15वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव 2023 में उपस्थित सभी सहभागी गुणीजनों का इस उद्घाटन समारोह में हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। प्रकृति एक प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल है जो 1997 से कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। देश के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले यह महोत्सव की मेजबानी इस वर्ष EMRC गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद कर रहा है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं समारोह के मुख्य मेहमान परमादरणीय राज्यपाल महोदय गुजरात राज्य श्री आचार्य देवव्रत जी, CEC न्यू दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर जगत भूषण नड्डा जी, गुजरात विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदया डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, CEC के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील मेहरू जी और EMRC गुजरात विश्वविद्यालय के नियामक श्री नरेश दवे जी। गुजरात विश्वविद्यालय गुजरात राज्य का प्रथम क्रमांकित विश्वविद्यालय रहा है जो युवाओं को बहुआयामी शिक्षा प्रदान करने में सदा अग्रसर है। आइए सबसे पहले गुजरात विश्वविद्यालय का गीत प्रस्तुत होगा। हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर यूनिवर्सिटी गीत का सम्मान करेंगे। वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन गुजरात यूनिवर्सिटी आपनी गुजरात यूनिवर्सिटी आपनी विद्या तनु तपोवन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन राष्ट्र चेतना कला साधना खेल भावना विकसी विश्व मानवी बनी गुजराती विश्व सकल माविल से स्नेह संप सहकार नी साथे देती सिद्ध करे उन्नति प्रेम बंधुता समानता ना पल पल प्रसरे स्पंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करें। यह महोत्सव का एक बहुत ही उम्दा पहलू है आम जनता को कुछ बेहद ज़रूरी मुद्दों के बारे में जागरूक करना, और इसके तहत ये महोत्सव के मुख्य प्रकल्प हैं पर्यावरण, विकास, मानवाधिकार और स्वच्छ भारत। इस प्रयास को ईश्वर के शुभ आशीष प्रदान हो और जन जन में जागृति का उजास हो, वही मंगल कामना के साथ दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मंच से निवेदन करते हैं परमादरणीय राज्यपाल महोदय और सभी गणमान्य महानुभावों को दीप प्रज्वलन के लिए विनती करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार
धन्यवाद। और अब इस उद्घाटन समारोह के मुख्य मेहमान आदरणीय राज्यपाल महोदय से हम विनती करते हैं कि आप यह 15वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव 2023 का विधिवत प्रारंभ करने की घोषणा करें। मैं इस सम्मेलन के प्रारंभ की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय राज्यपाल महोदय जी। प्रकृति फिल्म फेस्टिवल समानता, नैतिकता और पारिस्थितिकी के शैक्षिक पहलुओं पर पदचिन्हों को चित्रित करने के लिए एक बड़ा कैनवास प्रदान करता है। यह त्रिदिवसीय महोत्सव के दौरान जूरी पैनल द्वारा चयनित डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग की जाएगी, साथ ही वृत्त चित्रों में उठाए गए मुद्दों पर विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षेत्र के फिल्म निर्देशक, निर्माता एवं प्रतिनिधियों के साथ दर्शकों को जुड़ने एवं बातचीत करने का भी विशेष प्रश्नोत्तरी सत्र का अवसर प्राप्त होगा। समारंभ का प्रारंभ करते हुए स्वागत प्रवचन के लिए ईएमआरसी गुजरात विश्वविद्यालय के माननीय नियामक श्री नरेश दवे जी को आमंत्रित करते हैं। आप सभी का स्वागत है इस फिल्म महोत्सव में। मंचस्थ माननीय राज्यपाल श्री गुजरात राज्य आचार्य देवव्रत जी, सीईसी के निदेशक डॉक्टर जगत भूषण नड्डा जी, गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, सीईसी के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील मेहरू जी, सभागृह में इस कार्यक्रम हेतु पधारे हुए देश भर के मीडिया सेंटर के निदेशक, प्रकृति महोत्सव में स्क्रीनिंग हेतु चयनित फिल्मों के निर्देशकगण, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधिगण, हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर पधारे हुए बोर्ड के सदस्य, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधि तथा डिजिटल एजुकेशन की कार्यशाला में पधारे हुए छात्रगण, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र महोत्सव की 15वीं आवृत्ति के इस अवसर मंच पर उपस्थित महानुभाव की प्रेरक उपस्थिति तथा सभागृह में विद्वान समुदाय को देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ। भारत की शीर्षस्थ गुजरात यूनिवर्सिटी परिसर में स्थापित विकसित संरचित और पल्लवित मीडिया रिसर्च सेंटर EMRC अहमदाबाद सन 1984 में स्थापित हुई थी। 1984 से 2023 के दौरान TV कार्यक्रमों के निर्माण, ई कंटेंट डेवलपमेंट स्वयंमुख से लेकर स्वयं प्रभा DTC चैनल के संचालन तक की यात्रा हमने की है और आज भी यहाँ पर गुणवत्ता सभर कार्यक्रमों का निर्माण किया जा रहा है। भारत में स्थापित होने वाले प्रथम चार मीडिया सेंटर में से एक EMRC अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी है और आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज से प्रारंभ हो रहे इस फिल्म महोत्सव सफलता की कामना करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दवे जी। आपके शाब्दिक स्वागत पश्चात आज हमें शुभाशीष प्रदान करने के लिए उपस्थित हमारे मुख्य मेहमान का धन्यवाद करते हुए शॉल और स्मृति चिन्ह से अभिवादन करेंगे। हम विनती करते हैं प्रोफेसर जगत भूषण नड्डा जी, निर्देशक CEC, और डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, माननीय कुलपति महोदय गुजरात विश्वविद्यालय को परमादरणीय राज्यपाल महोदय का शाल और स्मृति चिन्ह से अभिवादन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीईसी के संयुक्त निर्देशक श्री डॉक्टर सुनील मेहरू जी को आमंत्रित करते हैं इस फिल्म फेस्टिवल का परिचय एवं प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात श्री आचार्य देवव्रत सर, ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ सीईसी प्रोफेसर जगत भूषण नड्डा सर, वाइस चांसलर डॉक्टर नीरजा गुप्ता मैम, डायरेक्टर एमआरसी अहमदाबाद नरेश दवे एंड ऑफ द डायस अकेडमिशियंस, मीडिया प्रोफेशनल्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सीईसी एनुअली ऑर्गेनाइजेज द प्रकृति इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल टू एनकरेज फिल्म मेकर्स, फिल्म एंथुजियास्ट एंड टू मेक द यूथ अवेयर ऑफ इश्यूज लाइक द एनवायरमेंट, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड स्वच्छ भारत। It has been planned as an annual media event that congregates filmmakers, students, academicians, administrators, development workers, and media to come together and appreciate the artistic journey of documentary filmmaking, promoting awareness, appreciation, and action. Prakriti Festival is a move towards a broad alliance of people working on the educational aspects of equity, ethics, ecology, and hygiene. The festival is a move towards promoting an ICT-based learning environment on various social themes. It helps the enthusiastic learner to develop holistically by finding symmetry in learning and evolving the understanding of multiple topics of interest. This year, the award comes screening of CEC's 15th Prakriti International Documentary Film Festival is being organized at the Gujarat University, Ahmedabad. During these 3 days, 15 films will be screened, selected for the festival to sensitize the students and stakeholders. These films have been previewed and selected following a rigorous process by a team of eminent jury. The Best Documentary Award in each category will be awarded a cash prize of ₹50,000, a trophy, and a certificate. The films selected for screening will be given a certificate of screening. This time, CEC received 74 entries for the 50th Prakriti International Documentary Film Festival. It is worth mentioning that CEC received entries from Southeast Asian countries like Myanmar, Bangladesh, which reflects the pan-Asian presence of this esteemed event. Friends, CEC's future vision is to build a digital learning environment to emulate the ancient Indian higher education system and provide quality enriched digital educational content integrated with human values and culture to transform Indian society into a vibrant knowledge-centric sphere. CEC is dedicated to ensure that no learner is left behind. Jai Hind, thank you. थैंक यू वेरी मच सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग द की एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फिल्म फेस्टिवल। और अब हम आमंत्रित करते हैं उन्हें जो खुद एक शिक्षाविद, प्रशासक, उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ता एवं प्रतिभा संबंध लेखिका है और जिन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय के प्रथम महिला कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया है। अनुरोध करते हैं डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी से अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। सादर वंदन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि और जिनको आज यहाँ अपना आतिथ्य हम प्रदान, प्रथम बार मैं कुलपति के रूप में कर रही हूँ, ऐसे परम आदरणीय गुजरात राज्य के राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, ये हमारा परम सौभाग्य है इतने
विद्वान और प्रकृति रक्षक एक व्यक्ति, इस प्रकृति का उद्घाटन आपने किया, ये इससे बड़ा संयोग और हम नहीं मानते थे। सीईसी के डायरेक्टर श्री जेबी नड्डा जी, हमारे ईएमआरसी के डायरेक्टर श्री नरेश भाई दवे, सह संयोजक सीईसी के सह डायरेक्टर मेहरू जी, अनेक स्थानों से आए सीईसी परिवार के सदस्य, हमारे आमंत्रण को मान देकर आए अनेक इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के निदेशक, फिल्मकर्ता आतिथ्य का मान रखते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी परिवार के आप सब विभागों से जो यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं, आप सब का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। सादर वंदन, नमस्ते। दरअसल मैं विचार कर रही थी कि प्रकृति जैसा अगर विषय है और वो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल है, तो क्या उसका शब्दों में कोई कीनोट हो सकता है क्या? ये जब से हमने लिप सर्विस करनी शुरू की है और हमने प्रकृति को शब्दों में बखानना शुरू किया है, तभी से हमारी प्रकृति के ऊपर बहुत बड़ा घर्षण शुरू हुआ है। प्रकृति वो है जो हमें बनाती है, और गीता तो कहती है कि यदि किसी की प्रकृति चेंज करनी हो, बदलनी हो, तो सिर्फ उसके पांच तत्वों में से किसी एक तत्व की उपस्थिति यदि उसके शरीर में, मन में, बुद्धि में और अहंकार में, जो चित्त कहलाता है, यदि हम बदल दें तो मनुष्य की प्रकृति बदली जा सकती है। मैं लगभग 11 भाषाएं जानती हूँ, और उन 11 भाषाओं में बहुत बार अनुसंधान किया, पर प्रकृति एक ही शब्द है जो बाह्य और मनुष्य दोनों के लिए समान प्रयुक्त होता है। मनुष्य की प्रकृति और बाह्य प्रकृति, अंग्रेजी में हम इसे नेचर कहते हैं, ह्यूमन नेचर एंड आउटर नेचर। उर्दू में हम इसे कुदरत कहते हैं, इंसानी कुदरत और बाहर की कुदरत। इसी तरह सभी भाषाओं में, ग्रीक जानती हूँ, रशियन जानती हूँ, भारत की अनेकों भाषाएं जानती हूँ, प्रकृति का कोई पर्याय है ही नहीं। प्रकृति वो पांच तत्व और जो तीन और मन, बुद्धि और अहंकार मिला के जो आठ हमें बनाते हैं, वो एक ही है, चाहे बाहर को देखें चाहे अंदर को देखें। इसीलिए बाह्य प्रकृति की जब हम आज रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे दैनंदिन जीवन में भी घर्षण है, संघर्ष है, वैमनस्य है, एक एक तरह की उदासी है। वो अंदर की आह्लाद जो एक स्थिति होती है, वो आह्लाद नहीं दिखता। हम एक दूसरे का चेहरा देखकर शायद अपने चेहरे पर मुस्कान तो ले आते हैं, लेकिन हृदय की प्रसन्नता बहुत मुश्किल से झलकती है। ये जो तारतम्य टूटा है, इसी तारतम्य को जोड़ने के लिए प्रकृति जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल होने ही चाहिए। बार बार जब हम ऐसे सैद्धांतिक भाषणों की तरफ जाते हैं, जैसे आज मुझे कहा गया आपको की नोट देना है, और हम सोर्सेज ढूंढते हैं, यकीन कीजिए सोर्सेज आज के समाज से मिलते ही नहीं हैं। वहीं वेदों में जाना होता है, वहीं श्रीमद् भागवत गीता को जाना होता है, वहीं हमारी जो पुरातन परंपराएं हैं। अभी हमने नवरात्रि मनाई, और नवरात्रि जैसा साइंटिफिक फेस्टिवल कोई किसी सभ्यता में नहीं होगा, कि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, उसमें हम जो घड़ा लाते हैं, मिट्टी डालते हैं, 10 दिन तक रखते हैं, देखते हैं वो नौरता कितना होगा, उस कृषि प्रधान देश के घर घर में वो इंडिजिनस सॉइल टेस्टिंग करते हैं, और 10वें दिन जब मंदिर में घड़ा रख कर जाते हैं, तो वो मंदिर और कुछ नहीं, हमारा डाटा कलेक्शन सेंटर है, जो गांव से आते हुए घड़े को देखते ही बता सकता है कि किस गांव में इस बार अकाल पड़ेगा, किस गांव की फसल अच्छी होगी, किस में ठीक ठाक होगी। प्रकृति के साथ जुड़ना सिंथेटिक नहीं हो सकता। प्रकृति मनुष्य की भी है, और कितनी बार बाह्य प्रकृति हमें कितना बदल देती है, ये तो जब हम प्रकृति के संयोग में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं, तभी खाली हम झूम सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं, मनोस्वादन कर सकते हैं। लेकिन यदि
प्रकृति को शब्दों में ढालते रहे तो हमारी लिप सर्विस से प्रकृति सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ हमें इंगित करेगी, प्रकृति कभी संपन्नता नहीं दे सकेगी। मुझे लगता है बहुत शब्द मुझे अब और नहीं प्रयुक्त करने चाहिए, क्योंकि हमारे आज के इसी कार्यक्रम में एक बहुत सुंदर प्रकृति से जुड़ी हुई बात हम आपसे कहने जाएंगे, जिसके मूल प्रेरणा स्वरूप हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय स्वयं हैं, और मुझे लगता है इससे सम्यक और कुछ नहीं हो सकता। और महोदय, मैं आपसे ये एक अनुरोध करना चाहूँगी कि आज का ये कार्यक्रम हमारा PIO TV के ज़रिए पूरे विश्व में देखा जा रहा है, वो इसको उद्घाटित करेंगे श्री मुनीश गुप्ता जी, का वो चैनल है, आपने बिल्कुल बिना किसी पेमेंट्स के, हम कहेंगे बिना हमारे ऊपर वित्तिक भार डालते हुए ये दायित्व लिया है। आप सबका पुनः स्वागत, बहुत धन्यवाद। लेकिन एक प्रण चाहूँगी CEC से भी और आप सब से भी, CE से विनम्र अनुरोध है, अगला प्रकृति फिल्म फेस्टिवल वेदों और उपनिषदों और गीता की थीम्स पे रखिए, तो हमारे जो ये यंग बच्चे पीछे बैठे हैं और सोचते हैं हमें यहाँ क्यों बैठा दिया गया सुबह सुबह, वो ये समझ पाएँ कि हम कितनी समृद्ध परंपरा हृदय में जीते हुए चलते हैं। आप सबका पुनः आभार, पुनः स्वागत, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदया, प्रकृति का महत्व उजागर करते हुए सुंदर वक्तव्य के लिए आपका फिर एक बार बहुत आभार प्रकट करते हैं। यह त्रिदिवसीय फिल्म महोत्सव जिनकी अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है, वे CEC के निर्देशक प्रोफेसर जगतभूषण नड्डा जी एक निपुण शिक्षाविद, प्रशासक और विद्वान है, जिन्हें सिर्फ 37 साल की कम उम्र में मैनेजमेंट फैकल्टी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है, और प्रबंधन के क्षेत्र में उनके 32 वर्षों से अधिक विशाल और विविध अनुभव के आधार पर उन्होंने देश के अलग अलग प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं प्रबंधन संस्थानों में विभिन्न उच्च स्तरीय पदों पर अपना योगदान दिया है। विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार उपरांत अपने शैक्षणिक करियर में कई बार स्वर्ण पदक से सम्मानित आपने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कई सहयोगों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर हम सादर आमंत्रित करते हैं CEC के निर्देशक प्रोफेसर जगत भूषण नड्डा जी को अपने संबोधन के लिए। Honorable Governor of Gujarat, Acharya Devrat Ji, Vice Chancellor Gujarat University, Dr. Nirja Gupta Ji, directors of EMRCs across the country, other dignitaries, and my friends. As Director of Consortium for Educational Communication, and on behalf of Gujarat University, I'm privileged and honored to welcome Honorable Governor of Gujarat to the 15th International Prakriti Film Festival. Your Excellency, I earnestly thank you for honoring us with your benign presence despite your busy schedule. I'm sure your dignified and inspiring presence shall positively impact and motivate all stakeholders present here, especially the young mind and budding learners. Friends, let me first begin with a brief introduction to our organization and to the origins of this film festival. CEC is one of the inter-university centers of University Grants Commission and is dedicated to the promotion and dissemination of digital education at higher education level. We are also one of the Asia's largest digital educational repositories with a wide array of digital content formats. It is also a matter of pride for us to be the national coordinator of 11 Swayam Prabha DTH channels of Ministry of Education, Government of India. Since 1997,
CEC has been annually organizing this Prakriti Film Festival to create an ICT-based learning environment in the country. Each year, the festival travels to a new destination to engage with curious and creative minds and brings forth stories that demand our attention and intervention. Visual storytelling through documentaries has the ability to capture the moments and educate and inform us in most compelling and comprehensive manner. Last year, we hosted the festival at Madurai. At this time, we are here with you at the ancient and vibrant city of Ahmedabad. Friends, the film festival is an endeavor to create a forum where education and documentary filmmaking amalgamate to enlighten, engage, and inspire the entire academic ecosystem. The festival has borne witness to the evolution of digital educational mediums wherein filmmakers and educators have construed different perspectives, highlighted issues, and brought newfound knowledge to us through the festival. I believe documentaries are the storytellers of a shared human experience. The visual medium has now become the prominent medium of learning in a more meaningful, impactful, and engaging way. Documentaries have been used to highlight issues that impact generations of people. As we all know, the documentary An Inconvenient Truth, featuring Mr. Elgaro, served as purpose of effectively presenting the challenges of global warming and its catastrophes. And recently, another documentary, The Elephant Whispers, won the Oscars. It handled the emotions and bonding between humans and animals extremely well. Such stories are all around us. One only needs observant eyes to identify such issues and turn it into a documentary. One such documentary on natural farming has been produced by EMRC Gujarat University. Friends, to your surprise, this issue of natural farming was identified by none other than Acharya Devavrat ji, Honorable Governor of Gujarat. It was his wish that this documentary on natural farming be screened in this inaugural function. Honorable Governor, your wish was our command. We shall be honoring your wish in a short while from now by showing a documentary which has been developed in a very short period just now after my speech. The new education policy emphasizes the integration of technology and digital media within traditional methods of teaching. Therefore, the new chalk and board will be audiovisual aids, innovative tools, and different pedagogical approaches that engage students in this contemporary world of education. Documentaries are one such tool that can be leveraged by students and teachers alike. Today, we have all gathered here to celebrate documentary filmmaking and also the filmmakers who dedicate their lives to uncover and share the truth with the world through their documentaries. They inspire and provoke critical thinking, expose us to new ideas, challenge our preconceived notions, and broaden our perspectives. I firmly believe that the documentaries featured here can be a catalyst for change, both in and beyond the classroom, and shall have a lasting impact on all of us. As we embark on this cinematic journey today, I encourage you all to embrace the power of documentaries to educate, enlighten, and empower. I hope this festival can be a platform where we engage in meaningful discussions, explore new perspectives, and let the stories we encounter here inspire us to make a difference in the society. I welcome you all once again to this festival of learning. May I now request
my team to play a short video which would explain the workings of our organization and why we remain pioneers of digital education in the country. Thank you. From ancient Bharat to modern India, education has always occupied a place of prominence in Indian culture and tradition. Nalanda, Taxila, and Vikramshila, the world-famous centers for learning, were the epitome of such education and attracted students from the remotest corners of the planet. Ancient India has given the world wisdom, yoga, Ayurveda, and classical art forms. And today, CEC, Consortium for Educational Communication, has stepped forth to build a digital learning environment to emulate the ancient Indian education system to provide quality enriched educational resources integrated with human values and culture on digital platforms to the remotest learners. CEC was established in the year 1993 as a pioneer of digital education in the country to address the issues related to higher education. CEC is the national coordinator for Swayam MOOCs and 11 Swayam Prabha DTA channels to address higher education needs through digital media to take education to the remotest learner. CEC has its 21 Educational Multimedia Research Centers, EMRCs, spread across the length and breadth of the country with more than 400 trained workforce, state-of-the-art equipment and infrastructure. Besides owning the largest digital educational content repository in Asia, CEC has more than 16,000 videos spread across 74 subjects, approximately 24,000 e-courseware modules, over 19,000 short learning objects, more than 8,000 live and recorded lectures, 1,252 massive open online courses on the Swayam platform. CEC has created e-courseware modules based on the UGC model curriculum, moving towards CBCS compliance, developed by pan-India subject experts, and validated and certified through a two-stage peer review process. It is a complete learning package containing question banks with MCQs and assignments, providing instant assessment of learning outcome. It can be accessed free of cost. CEC has developed approximately 24,000 e-content courseware in 87 undergraduate subjects, covering four knowledge streams: art, culture, language and literature, social sciences, natural and applied sciences, and management and other professional courses. CEC's YouTube channel has recorded a footfall of over 5.46 lakh subscribers with more than 4 crore video views, equivalent to 500 years of watch time, with top 5 viewing countries across the globe being India, Pakistan, USA, Nepal, and UK. CEC's digital content can be integrated with traditional pedagogy through blended and flipped learning, short learning objects to teach concepts, portable e-content, video on demand through CEC web portal, subject-based content provided locally through LAN. CEC's undergraduate and postgraduate MOOCs are hosted and accredited by various educational institutions pan-India. India has the second largest higher education system in the world. However, our higher education system has its own share of challenges, like low gross enrollment ratio, GER, of 27.1% in higher education sector, scarcity of faculty, infrastructure and facilities, redundancy in teaching practices, various socio-economic and geographic barriers,
high cost of higher education, learning habits and abilities, universities in production mode, lack of opportunities to pursue interests. Here, CEC has the capacity to address these challenges by carrying out online content activities which include designing, development and dissemination of digital educational content, running of e-courses and conducting proctored online examinations through National Testing Agency, NTA. So far, CEC has issued 60,736 course credit certificates in partnership with SWAYAM and various host universities for SWAYAM MOOCs examination. Further, CEC has begun developing educational content in 12 regional languages to increase the accessibility and reach of its online learning resources to the rural populace of India. Moreover, to create ICT-based learning environment in the country, CEC's Prakriti Documentary Film Festival has gone international. The festival aims at creating awareness and sensitizing people about issues like environment, development, the human rights, and the Swachh Bharat. This event receives overwhelming entries from participants across the world. And CEC organizes its EduTune and EduWrite competition annually since 2018 on themes of digital education. Every year, the educational video competition is organized by CEC, which converges students, filmmakers, and experts from all over India. At CEC, we empower people with the power of knowledge. Thank you very much, Professor Nadda sir, for your thought-provoking address and letting us know the effective functionality of CEC. CEC के इस उत्कृष्ट कार्य निदर्शन के बाद अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आधारित वृत्तचित्र प्रस्तुत होगा, जिसका निर्माण किया है EMRC गुजरात विश्वविद्यालय ने. प्रस्तुत है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मातृभूमि का वैभव, प्राकृतिक कृषि. माता भूमिं पुत्रोऽहं पृथिव्यः, बहते झरने बहते नाले सब इसमें समाते, ऊंचे से ऊंचा पहाड़ गहरे से गहरा समंदर सब इसमें आश्रय पाते, जीव जंतु फल आहार सबकी ये जननी है, इसी की हम संतान है इसी में हम विलीन हो जाते, हमारी पूरक हमारी पोषक हमारी प्रेरणा हमारी आराधना हमारी मां धरती मां. हवा पानी और आहार ये तीनों पृथ्वी पर जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं. हवा और पानी प्रकृति की देन है, परंतु आहार के लिए मानव ने कृषि में कई प्रयोग किए हैं. कृषि के लिए आवश्यक तत्व भूमि है, तभी तो मानव शरीर को मिट्टी का पुतला भी कहा जाता है. मिट्टी मानव शरीर की सबसे बड़ी पोषक है. ये जो पाती है वो हमें मिलता है. माटी स्वस्थ तो हम स्वस्थ. अगर माटी पोषण पाएगी तो पोषण देगी, अगर रसायन पाएगी तो रसायन देगी. सिंधु घाटी सभ्यता से कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है. जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भुखमरी विकट समस्या थी. हालांकि हम कृषि प्रधान राष्ट्र थे, फिर भी अन्न की पर्याप्त उपज नहीं हो सकी. तो राष्ट्र की अन्न समस्या के समाधान हेतु आयोजन पंच ने कृषि सुधार और कृषि विकास की परिकल्पना की, जिसमें सिंचाई की नई तकनीक
खेतों में पानी लाने के लिए डैम तथा अन्य समस्या के समाधान हेतु प्रति हेक्टर ज्यादा पैदावार पाने के लिए कृत्रिम खाद और बीजों के प्रचलन को उत्तेजन दिया गया, जिससे अन्न की पैदावार बढ़ती चली। भारतीय कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ता चला गया। आजादी के दशक में जहां 1 किलो प्रति हेक्टर खाद का उपयोग होता था, वो बढ़कर अभी 137 किलो प्रति हेक्टर हो चुका है। कृत्रिम खादों के अधिक उपयोग की आवश्यकता से समझ सकते हैं कि ये पद्धतियां उपज तो बढ़ाती हैं, परंतु साथ साथ भूमि की उत्पादकता भी धीरे धीरे बहुत कम करती जाती हैं। अगर ऐसे ही हम कृत्रिम खादों, रसायनों, जंतुनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास कृषि करने हेतु उपजाऊ जमीन ही नहीं बचेगी। एक अध्ययन के अनुसार NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे रसायन की खपत जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 65,600 टन थी, वो सन 2026 तक 3.5 करोड़ टन हो सकती है। खतरा बस इतना ही नहीं है, खेती में रसायनों के बढ़ते उपयोग से केवल भूमि को ही नुकसान नहीं हो रहा है किंतु अन्न की गुणवत्ता भी कम हो रही है, जिससे हमारे शरीर में न केवल पोषक तत्व कम हो रहे हैं परंतु अन्न के साथ नुकसान करने वाले रसायन भी हमारे शरीर में जा रहे हैं। रसायन युक्त अन्न हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर असर कर रहा है। इससे लोगों में कैंसर, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा फैल रहा है। पार्किंसंस रोग और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, प्रजनन संबंधी समस्याएं और बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं तेज गति से बढ़ रही हैं। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम नहीं किया गया तो अगले 40-50 वर्षों में भूमि पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। अनाज को पोषण देने वाला जैविक कार्बन मिट्टी से गायब हो रहा है। एक अनुसंधान के अनुसार हरित क्रांति के समय मिट्टी का जैविक कार्बन 2% से 2.5% हुआ करता था, जो आज खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खाद के कारण घटकर 0.5% हो गया है। कृत्रिम खाद बनाना तथा उसका उपयोग भी अत्यंत जोखिम भरा है। एक तरफ इन उत्सर्जकों को बनाने की प्रक्रिया भी वायु और जल को प्रदूषित कर रही है, वहीं इन रसायनों के छिड़काव के दौरान किसानों के स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। इसका असर केवल फसल की गुणवत्ता पर ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है और भूजल का स्तर घटने लगता है। यही नहीं, विदेशों से आयातित यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों से भी देश की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। धुलती भूमि, कम होती उत्पादकता और कृषि की बढ़ती लागत के कारण राष्ट्र के अन्नदाता किसान कृषि से विमुख भी होते जा रहे हैं। यह परिस्थिति पुनः देश को खाद्यान्न संकट के समीप लाकर रख सकती है। अगर यही रासायनिक कृषि के परिणाम है तो आवश्यकता है इस समस्या का सर्वग्राही समाधान ढूंढने की, जो हमारी परंपरागत प्राकृतिक कृषि से प्राप्त हो सकता है। हमारे दीर्घदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, सबके आधार में हमारी कृषि व्यवस्था ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कृषि के प्राकृतिक उपायों के पक्षधर रहे हैं। प्राकृतिक कृषि की अनिवार्यता को समझाते हुए अमृतकाल के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उन्होंने हर पंचायत के 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़े ऐसा संकल्प लें ये आह्वान किया था। ये निश्चित है कि आने वाला समय रासायनिक खेती का नहीं है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम आप सब अपने सामने देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। प्राकृतिक खेती जहां पानी का अभाव वहां भी कामयाब है, बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाती है और इसमें उत्पादन की कमी नहीं है। आप में ऐसी बात का बहुत खेडूत समर्थन करेंगे, क्योंकि मैं खुद खेडूत हूं, मैं खुद खेती करता हूं, मैंने प्रैक्टिकल अपने खेत में अनुभव किया है।
प्राकृतिक खेती एक सरल एवं प्रामाणिक कृषि विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से भूमि और अन्न की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। न सिर्फ ये स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है बल्कि ये बहुत सस्ती भी है। प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा सिद्धांत है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। वैज्ञानिक रूप से माना गया है कि गौमूत्र और गोबर कृषि में अत्यंत उपयोगी है। इस पद्धति में एक देसी गाय से 30 एकड़ तक खेती संभव है। देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र पौष्टिक तत्वों की खान होती है। इनमें बसे जीवाणु धरती के जीवों को आकर्षित करते हैं जिससे धरती का जैविक कार्बन बढ़ता है। इसे बीजामृत एवं जीवामृत बनाने में उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती के 5 आधार हैं: बीजामृत, जीवामृत, वापासा, मल्चिंग, कीटनाशक। बीजामृत। बीजामृत एक फर्मेंटेड माइक्रोबियल घोल है जिसमें पौधों के लिए लाभकारी रोगाणुओं की भरमार होती है और इसे बीज उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जीवामृत, देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र से बना जीवामृत मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा देकर बायोस्टिमुलेंट के रूप में कार्य करता है। वापासा, यह मिट्टी का माइक्रो क्लाइमेट है जिस पर मिट्टी के जीव और जड़ें अपनी अधिकांश नमी और अपने कुछ पोषक तत्वों के लिए निर्भर रहती हैं। मल्चिंग, जीवित फसलों एवं पौधों के अवशेषों का उपयोग करके मिट्टी की सतह को ढकने को मल्चिंग कहते हैं। इसका उपयोग जमीन की नमी और जड़ों के आसपास की मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कीटनाशक, प्राकृतिक खेती में रसोई सामग्री से कीटनाशक बनाने के कई नुस्खे हैं जैसे कि नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र आदि। इस तरह प्राकृतिक खेती रसायन मुक्त और पशुधन आधारित खेती है जो आज जीरो बजट कृषि प्रणाली बनकर उभरी है जिसका उपयोग देश का हर किसान कर सकता है। प्राकृतिक खेती किसानों को अच्छी एवं अधिक फसल के साथ साथ बेहतर आय की गारंटी देती है। मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन कम करती है। मिट्टी में पोषक तत्व बरकरार रखती है और जल संरक्षण भी करती है। इससे उगने वाला अनाज पूर्ण तरह से पौष्टिक होता है एवं बीमारियां दूर करता है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य कृषि परिस्थिति को सही बनाना है जिससे जैव विविधता का समर्थन किया जा सके। भारत सरकार ने रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन NMNF शुरू किया है। किसान आत्मा योजना अंतर्गत प्रति 10 गांवों का एक क्लस्टर बनाकर कृषि वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को मास्टर प्रशिक्षक बनाकर किसानों के घर और खेत तक जाकर प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के फायदे तथा पद्धतियों का निर्देशन करते हैं। उन्हें कीट प्रबंधन एवं मिट्टी की उपज के प्रबंधन हेतु पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। ये प्रयास से किसान व्यापक तौर पर प्राकृतिक खेती से जुड़ने को प्रेरित भी हो रहे हैं। यही नहीं, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान मैनेज तथा राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र NCONF के माध्यम से मास्टर ट्रेनरों, चैंपियन किसानों तथा प्राकृतिक खेती की तकनीकों का अभ्यास करने वाले किसानों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी प्राकृतिक खेती के लिए विविध शैक्षिक अनुसंधान और विस्तार का केंद्र है। यह भारत में एकमात्र प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय है। प्राकृतिक कृषि को हर खेत में पहुंचाने के संकल्प को साकार करने में यह यूनिवर्सिटी मील का पत्थर साबित होगी। आज प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में अलख जगाने का काम हो रहा है लेकिन अभी भी समाज नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी और इस देर की भरपाई आने वाली पीढ़ियों को करनी पड़ेगी। चलो साथ मिलकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, बढ़ावा दें और आने वाले कल को संवारें। यह निश्चित है
कि प्राकृतिक खेती से अब भारत का चप्पा चप्पा होगा रसायन मुक्त, किसान बनेंगे आत्मनिर्भर एवं संपूर्ण, प्राकृतिक खेती से होगी खुशहाली की लहर संभव। धरती मां मुस्कुराते अपने बच्चों से कहेंगी आयुष्मान भव। धन्यवाद टीम ईएमआरसी गुजरात विश्वविद्यालय, जिनकी उपस्थिति मात्र से इस समारोह को गरिमा को ऊंचाई प्रदान हुई है और जिनके सघन प्रयासों से पूरे देश में प्राकृतिक खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। ऐसे प्रखर विद्वान, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, लेखक एवं प्रभावशाली चिंतक परम आदरणीय राज्यपाल महोदय गुजरात राज्य श्री आचार्य देवव्रत जी को विनम्रतापूर्वक आशीर्वचन के लिए आप सबकी तालियों के बीच विनती करते हैं। शैक्षिक संचार संकाय सीईसी द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र ईएमआरसी के सहयोग से आयोजित 15वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव के शुभ आरंभ पर उपस्थित आदरणीय श्री प्रोफेसर जगत भूषण नड्डा जी, निदेशक शैक्षिक संचार संकाय नई दिल्ली, आदरणीय डॉक्टर निर्जा गुप्ता जी, कुलपति गुजरात विश्वविद्यालय, माननीय डॉक्टर सुनील मेहरू जी, संयुक्त निदेशक सीईसी, आदरणीय श्री नरेश भाई दवे जी, निदेशक ईएमआरसी अहमदाबाद, देश के मीडिया रिसर्च सेंटर के निदेशकगण, प्रतिनिधि फिल्म निर्मातागण, इस क्षेत्र के छात्रों, मेहमानों, महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज आपके बीच में आकर प्रकृति फिल्म फेस्टिवल के शुभ आरंभ के अवसर पर अब तक जो कार्य योजना देखी बहुत संतोष और सुखद अनुभूति रही। प्रसन्नता है कि सीईसी के सौजन्य से पूरे देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया एक ऐसा शब्द हमें दिया जो युवा पीढ़ी को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए तीव्र गति से अपनी परंपराओं को, व्यवस्थाओं को, शिक्षा को, जीवन शैली को जानने का एक अवसर प्रदान करता है। डिजिटाइजेशन आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी जो सीईसी के माध्यम से शिक्षा जगत में युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का केंद्र बना है। इस मिशन के लिए मैं प्रोफेसर जगत भूषण नड्डा जी और आज का एक कार्यक्रम गुजरात विश्वविद्यालय में डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। आदरणीय भाई और बहनों और युवा छात्र छात्राओं, आज का जो ये कार्यक्रम है
इसमें मेरे से पहले बताया गया कि अगली पंक्ति में बड़े विद्वान लोग हैं जो इस बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, और पीछे जो युवा छात्र छात्राएं बैठे हैं उनको हमने ये सब कुछ विद्या देनी है, और इसी निमित्त ये कार्यशाला यहाँ पर प्रारंभ की गई है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े महत्वपूर्ण विचार आपके बीच में रखे हैं। आज का मुख्य बिंदु है प्रकृति। आज की ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। 5 तत्व हैं दुनिया में, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि। ये वो तत्व हैं जिनसे मेरा आपका ये शरीर बनता है। ये जितने सुरक्षित होंगे, जितने संयत और नियंत्रित होंगे, उतना ही मेरा आपका शरीर का स्वास्थ्य भी नियंत्रित रहेगा और सुखी रहेगा और निरोग रहेगा। जहाँ इनमें विषमता आएगी वहीं हमारे लिए दुखदायी सिद्ध होगा। प्रकृति जो है, ये जो नेचर है, ये ईश्वर की व्यवस्था है, और उसी की व्यवस्था का एक रूप हम अपने शरीर में भी देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ उपनिषदों में एक बात कही, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो नियम हमारे इस काया में नजर आता वही ब्रह्मांड में नजर आता है, और प्रकृति का जितना संतुलन मर्यादित रहेगा वो उतना ही सुख देगी। और मेरा आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी जितना मर्यादित रहेगा उतना ही ये सुख का आधार बनेगा। यहाँ शरीर की अलग प्रकृति है, नेचर की अलग प्रकृति है, इस प्रकृति को बचाना ही विश्व शांति का आधार है, इसी का आधार। जहाँ इनमें विषमता आएगी वहीं विनाश होगा। आज ग्लोबल वार्मिंग, ध्यान करेंगे इस बात की ओर, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी चुनौती जीव जगत के लिए बन चुकी है, और इसके दुष्परिणाम आने प्रारंभ हो चुके हैं, आएंगे नहीं, शुरू हो चुके हैं। आज बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। ये सब का सब प्रकृति से छेड़छाड़ का दुष्परिणाम है, और वैज्ञानिक अब इस बात का चेतावनी हमें दे रहे हैं कि यदि हम नहीं संभले तो इससे भी भयावह स्थिति बनने वाली है। ग्लेशियर के पहाड़ पिघल रहे हैं, 10 गुना ज्यादा स्पीड से पिघल रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? जितनी नदियां बहती सब सूख जाएंगी। नदियों किनारे जो महानगर हैं उनमें खेती तो क्या, पीने का भी पानी नहीं मिलेगा। और ग्लेशियर पिघलकर जब समुद्र में जाएगा तो समुद्र का वाटर लेवल इतना ऊपर आएगा कि समुद्र के किनारे बसे देश और दुनिया, बड़े बड़े महानगर समुद्र में गर्त हो जाएंगे। इसी का नाम तो प्रलय है। ये सब परिस्थिति बन रही है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं 1 डिग्री टेम्परेचर भी धरती का बढ़ेगा तो करोड़ों टन अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा, और प्रकृति साथ नहीं देगी तो खेती संभव नहीं होगी। और ध्यान करो, आप में जब खेती बाड़ी का, यहाँ पर मैडम ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो आप और हम खेती बहुत से नहीं करते, तो आपके लिए बोरिंग सब्जेक्ट होगा वो, कोई बहुत आपके दिल और दिमाग पर प्रभावी नहीं होगा। लेकिन ध्यान सुनो, यहाँ जो घर से आके बैठे हो ना, पहले पेट में रोटी पड़ी थी इसलिए यहाँ बैठे हो। यदि वो ना होती तो मेरा भाषण कोई नहीं सुनता, चूहे कूदते पेट में। ध्यान में है कि नहीं?
कितना धन पैदा हो जाए, सोने चांदी हीरे ज्वारात की तिजोरियां भर लें, लेकिन भूख लगेगी तो उनको खा के पेट नहीं भरता। जो अन्न किसान पैदा करता उसी से आंखें खुलती हैं, उसी से जीवन चलता है, उसी से धरती का प्राणी जगत जिंदा है। ये कितना महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझने की आवश्यकता है। और ये तभी तक सफल रहेगा जब हम नेचर को बचाएंगे, प्रकृति को बचाएंगे। और दूसरी बात, इस नेचर को, प्रकृति को हम ईश्वर कहें, प्रकृति कहें, कि व्यवस्था मिली, जब ये सब कुछ स्वच्छ था, यहाँ पहाड़ स्वच्छ थे, नदियाँ स्वच्छ थी, झीलें पवित्र थी, जंगल साफ सुथरे थे, समुद्र साफ सुथरे थे, लेकिन ध्यान करो मेरी बात की ओर, इन सब प्रकृति का विनाश करने वाला यदि इस धरती पर कोई प्राणी है तो वो सबसे ज्यादा कृपालु मैं और आप ही हैं। अन्य किसी प्राणी ने, ध्यान करो, असंख्य प्राणी है इस दुनिया में, असंख्य प्राणी है, इस प्रकृति का, नेचर का विनाश किसी प्राणी ने नहीं किया, केवल इस समझदार आदमी को छोड़कर किसी ने इसका विनाश नहीं किया। और इसका एक बड़ा प्रबल प्रमाण मैं देता हूं, अभी नजदीक का कोरोना काल आया था, हम भूलते बड़े जल्दी हैं, भूल गए ना, कोरोना काल में आपने देखा था ना, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस काल में हमारी बड़ी रक्षा की, दुनिया को भी बचाया, हमें भी बचाया, इसके लिए वैक्सीन भी इतनी जल्दी, दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं बनी जो हमारे लिए उपलब्ध हो गई, बहुत व्यवस्थाएं दी। यूरोप के लोग कह रहे थे सबसे ज़्यादा दुनिया यदि मरेगी तो भारत में और अफ्रीका के देशों में मरेगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ ने जो हमें नसीहत दे रहे थे वहीं ढेर लगे लाशों के हम बचा लिए। वो बहुत सुखद काल हमारे लिए, इतना विकराल परिस्थिति में हम बचे, लेकिन कैसे बचे? और याद करो जिस दिन टाइम लॉकडाउन लगा था और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया जितने देश के लोग जहां हैं वहीं रुकें, घरों में रहें, बाहर ना जाएं, लॉकडाउन एक महीना लगभग लगा था, याद है कि नहीं? हो बोलो तो सही भाई, मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहूं, मेरी क्लास में चुपचाप नहीं बैठना, ठीक है? मेरे को पता तो लगे सुन रहे हैं कि मैं वैसे ही भाषण दे रहा हूँ यहाँ पे। लॉकडाउन याद है पीछे वालों, लगा था ना एक महीना। अच्छा यूँ बताओ, लॉकडाउन आदमी के लिए लगा था, बाकी पशु पक्षियों के भी लगाया गया था? बोलो, गाय के, गधे के, घोड़े के, भैंस के, बकरी के, ऊंट के, पक्षियों के, जीव जंतुओं के, उनके लिए तो लॉकडाउन नहीं था ना, वो किसके लिए था? इन समझदारों के लिए था, इस धरती के श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्राणी के लिए लॉकडाउन था। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ये समझदार आदमी बस एक महीना अंदर बैठ जाए, और इस समझदार ने प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन भी किया। और उसका परिणाम क्या हुआ याद करो, वो जो गंगा जिस पर बहुत रुपया खर्च हो गया शुद्ध करने के लिए, वो एक महीना में शुद्ध हो गई, आया ना, हो गई थी कि नहीं? एक महीने में शुद्ध, पहाड़ भी साफ सुथरे हो गए, नदियां भी साफ सुथरी हो गई, झीलें भी साफ सुथरी हो गई, अखबारों में आने लगा कि इन गंगा में जो इतना प्रदूषण था, अब एक महीना समझदार के अंदर जाने के कारण मछलियों की आंख की पुतली भी पानी में देखना शुरू हो गई, नदी भी स्वच्छ, समुद्र भी स्वच्छ, सड़कें भी स्वच्छ, सारी प्रकृति स्वच्छ हो गई। और मैं राजभवन में घूमता था, ऐसे ऐसे पक्षी आने लगे जो मैंने पैदा होकर देखे ही नहीं थे, वो भी आने लगे। आपने अनेक बार देखा दुनिया के देशों में भी सड़कों पर जंगली जानवर
विचरण करना शुरू कर गए, मानो प्रकृति दोबारा जिंदा हो गई। कितने दिन में? समझदार आदमी के एक महीना घर में रहने के कारण। अब समझ में आ गया कि नहीं अच्छी तरह? अब भी किसी में दुराभिमान है कि इस प्रकृति को बर्बाद करने में इस समझदार को छोड़ के किसी का योगदान है? अरे पशु पक्षी जीव जंतु जितने प्राणी थे वो तो सब लॉकडाउन से बाहर थे। इससे सिद्ध होता वो बेचारे ना समुद्रों को गंदा करते हैं, ना झीलों को खराब करते हैं, ना नदियों को खराब करते हैं, ना प्राकृतिक नेचर को खराब करते हैं। केवल मैं और आप हैं जो इस सारी प्रकृति का उत्थान भी कर सकते हैं और विनाश तो करके दिखाई दिया हमने। इसमें तो 100/100 नंबर ले चुके हम। ये तो है प्रकृति की बात। अब मानव प्रकृति की ओर सोचिए, मानव की भी एक प्रकृति है और यही वो प्रकृति है मानव की जो इस नेचर को दिखाई देने वाली को भी बर्बाद करती है। और हमारी सामाजिक ताना बाना मनुष्य की जो व्यवस्था में इसका भी विनाश करती है। और इसका विनाश किस रूप में करती है वो आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, यूक्रेन रूस का युद्ध। और अब आप बोलो ना किन का चल रहा है, ध्यान में है कि नहीं? ये भी मानवीय प्रकृति का परिणाम है। अब प्रकृति दो तरह की, हम जिस देश में पैदा हुए हैं ये ऋषियों का देश है, संतों महात्माओं का देश है, वेदों का, उपनिषदों का, रामायण का, महाभारत का, शास्त्रों का देश है। यहाँ के लोगों ने तो टेक गाई थी। टेक क्या था हमारी संस्कृति का? देहु शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति। हमारी जो प्रकृति बनाई गई थी इस देश के लोगों के द्वारा वो थी स्वयं भी सुखी रहो और दुनिया को भी सुखी करो, स्वयं भी सुख में रहो विश्व का भी कल्याण करो। और हमारे यहाँ नारा दिया जाता था सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाव भवेत। हम ऐसे काम करें, इस मानव देह को प्राप्त करके हम क्या करें, हमारा चिंतन और हमारी प्रकृति कैसी हो, हमारी प्रकृति दुनिया में कोई दुखिया ना हो, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब मुस्कुराते रहें, सब आनंद में रहें, ये हमारे देश का नारा था भाई और बहनों। लेकिन आज हमारी प्रकृति कैसी हो गई है, किस किस प्रकार के धर्म की कल्पना को लेकर के हम चल रहे हैं। आज हम में से ही ऐसे लोग हो गए हैं, हम की प्रकृति ऐसी हो गई एक मासूम बच्चे को काट के वो धर्म की कल्पना कर रहे हैं, उसके जिगर के को निकाल कर उसके खून को पीना धर्म मान रहे हैं। आज हम सर तन से जुदा को बहुत बड़ी उपलब्धि माने बैठे हैं। क्या इस सोच और चिंतन के साथ दुनिया में सुख शांति हो सकती है? क्यों भाई कमजोर विद्यार्थियों, बोलो ना, आपसे पूछ रहा हूं आपसे। एक तरफ प्रकृति के लिए हमारे यहां नारा दिया जाता था और हमारी प्रकृति से प्रेम क्या था, वेद में लिखा है उपहरे गिरिणाम संगमेच नदी नाम धिया विप्रो आ जाते। आप यहाँ एजुकेशन सेंटर में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में। आज हमारी ये यूनिवर्सिटी शहरों के बीच में है, विषैले वातावरण में, लेकिन भारत के ऋषियों ने शिक्षा के केंद्रों की कल्पना कहाँ की थी? उपहरे गिरिणाम संगमेच नदी नाम, पहाड़ों की उपत्यका के बीच में नदियों के संगम पर, बीहड़ और जंगलों के प्रकृति के बीच में देश के विद्यार्थियों को पढ़ाई के केंद्र मिला करते थे। उन केंद्रों में बैठ करके, प्रकृति की गोद में बैठ करके शिक्षा की परंपरा वेदों में बताई। हमारे गुरुकुल उन्हीं स्थलों पर होते थे ताकि
एक मासूम छोटा बच्चा पैदा होते ही जब उसने हो संभाला, उसने कल कल करती नदी बहती दिखाई देनी चाहिए, उसे सुंदर पहाड़ों का लुत्फ उठाना चाहिए, उसे जंगलों की शुद्ध हवा मिलेगी, प्रकृति से प्यार होगा। वहीं गौ में होती थी, वहीं पर कृषि का अभियान चलता था। एक बालक उसी वातावरण में जब पलता था तो वो वृक्ष काटते हुए उसके हाथ में कुलाड़ी कांप हाथ कांप करके गिर जाती थी। वो पाप वो वृक्ष काटने का नहीं कर पाता था, वो प्रकृति का दोहन विनाश नहीं कर सकता था, वो पानी को दूषित नहीं कर सकता था, नदियों को तबाह नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पलायन उनके बीच में उसका वो जीवन रही है, वो उसका विकास का रास्ता बनी। ये हमारी व्यवस्था आदिकाल से केवल भाषण देने के लिए नहीं थी, प्रैक्टिकल थी। उन्हीं के बीच में सब कुछ होता था और उनके बीच में जिस देश की संस्कृति पौधों से प्यार करना सिखाती हो, पानी से प्यार करना सिखाती हो, हवा से प्यार करना सिखाती हो, जो धरती माँ से मोहब्बत करना सिखाती हो, वहाँ कत्ले आम के लिए खून खराबे के लिए कोई जगह होगी? जिस देश में शिक्षा का माध्यम वैदिक परंपराएं, जहाँ वेदों के मंत्र गुंजायमान होते और बालक को पढ़ा जाता था, बेटे यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवन उपश्यति यत् सर्व भूतेषु चात्मन न ततो विचकित्सति, वहां भगवान का रूप पता, वहां वेद का मंत्र बोल रहा हूं मैं आपको, ये ऋग्वेद का ये मंत्र है और इस मंत्र में एक भगवान का उपासक परमात्मा से पूछता है कि तू कहां मिलेगा, मैं तुझे प्राप्त करना चाहता हूं, तू कहां मिलेगा, मंदिर में मस्जिद में गुरुद्वारे में कहां मिलेगा? तो भगवान कहते, बेटे ये तो कल्पना तेरे दिमाग की है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये तो तूने अपने आप बनाई, मैं तो कण कण में हूं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, इस जगत का एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें मैं विद्यमान नहीं, और तू मुझे पाने के लिए प्रार्थना करता है, मैं कहां मिलूंगा? तो सुन ध्यान से, मैं कहां मिलूंगा, मैं उसको मिलूंगा जो व्यक्ति अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखता है और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखता है। ऐसा व्यक्ति और मेरे बीच की संदेह की दीवारें ढह जाएंगी और हमारा साक्षात्कार होगा। ये थी भारतीय दर्शन, ये थी हमारी प्रकृति की संरचना। जो व्यक्ति दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर नहीं अनुभव कर सकता, जो व्यक्ति मानव देह को पाकर दूसरे के बहने वाले दुख के आंसू अपने आंखों से नहीं बहा सकता, जो व्यक्ति दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक नहीं कर सकता, वो व्यक्ति मानव रूप में उस पत्थर के समान है जिस पत्थर पर एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। आज हम कहां जा रहे हैं? क्या मानव की सोच बनी? इस समस्त ब्रह्मांड का उपभोक्ता मनुष्य है और इस सारी प्रकृति का उत्थान पतन उसके हाथ में है। वो उत्थान पतन उसकी व्यक्तिगत प्रकृति पर आधारित है। यदि उसकी प्रकृति निर्माण की है, सकारात्मक है, विकास की है, उन्नति की है, सहिष्णुता की है, प्यार की है, मोहब्बत की है, दया की है, करुणा की है, तो ये धरती पर स्वर्ग होगा। बाहर मरने के बाद स्वर्ग नहीं, इसी धरती पर होगा। और यदि मानव की प्रकृति ये है कि वो कितनों को सर कलम करके गर्व अनुभव करता है, कितना का खून पी करके गौरव अनुभव करता है, कितनी बहन बेटियों का बलात्कार करके वो अपने गरिमा मानता है, इससे बड़ा कलंक मानव समाज पे दूसरा हो नहीं सकता, इससे बड़ा विनाश मानव की प्रकृति का कोई हो नहीं सकता। हमारे यहाँ तो मंत्र गाए जाते थे, यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवम तद
सुप्तस्य तथैव इति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पाठ पढ़ते थे तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान मेरा जो मन है ना, यही तो अच्छाई बुराई का केंद्र बिंदु है। लेकिन ये कैसा बने, प्रार्थना की जाती थी मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो, कल्याणकारी विचार वाला हो, मैं किसी को स्वप्न में भूल करके भी दुख ना दूं। सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु, चारों तरफ की दिशाएं जिधर से भी कोई आए मेरा मित्र बन करके आए, मैं उसका मित्र बनूं, वो मेरा भाई मैं उसका भाई, हमारे में भेद ना रहे, हम एक दूसरे के लिए जिएं। ये दर्शन भारत की संस्कृति का था। जब मानव की प्रकृति इतनी पॉजिटिव होगी, इतनी सकारात्मक होगी, इतनी करुणा भरी होगी, तो वहाँ पर आतंकवाद के लिए कहाँ जगह है, वहाँ पर खून खराबे के लिए कहाँ जगह है, वहाँ एटम बम हाइड्रोजन की बताओ क्या जरूरत है। ये सब जितना विनाशकारी अभियान दुनिया में चला है हथियार का, ये मानव की प्रकृति का दुष्परिणाम है, मानव की सोच का दुष्परिणाम है। यूएनओ के विधान में एक बात लिखी, ध्यान से सुनना, यूएनओ के विधान में एक बात लिखी है कि युद्धों का, जो युद्ध मैदान में लड़े जाते हैं, मैदान में लड़ने से पहले वो मानव के मन की भूमि में लड़े जाते हैं। नहीं समझ में आई बात? दुनिया में जो युद्ध होते हैं वो युद्ध मैदान में लड़ने से पहले मानव के अंदर प्रकृति में लड़े जाते हैं, बाद में बाहर लड़े जाते हैं। मैं मजाक कर लेता हूं थोड़ा अपनी बहनों से। मेरी बहनों, जब किसी पड़ोसिन से लड़ना होता है तो कौन कौन सी गाली उसे सुनानी पहले मन में सेलेक्ट करते हो क्या? नहीं, पहले मन में सेलेक्ट करके तभी तो दूसरे से लड़ने को जाना पड़ता है। यही तरीका है कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से सारे बताओ, आप घर से हंसते हुए निकलो, मुस्कुराते हुए निकलो और पड़ोसी से लड़के दिखा दो। नहीं समझ में आई? हंसते हुए निकलो, मुस्कुराते हुए निकलो, लड़के दिखाओ। लड़ ही नहीं सकते। हाँ, पहले अपने मन को जलाओ, ईर्ष्या जगाओ, द्वेष जगाओ, क्रोध जगाओ, अपने आप को पहले सारी चीजों में जलाओ, बाद में दूसरे को जला पाओगे। नहीं आई समझ में? ये ऋषि लोग जानते थे, इसीलिए यहां पढ़ा जाता था छोटे से बच्चे को गुरुकुलों में, शिक्षा के केंद्रों में, ओ बेटे, इस 5-6 फुट के शरीर में एक तत्व है जिसका नाम मन है, और वो मन ही अच्छाई बुराई का केंद्र बिंदु है। यदि उसको तूने, उसकी प्रकृति को पॉजिटिव बना दिया, सकारात्मक बना दिया, सहिष्णु बना दिया, दयालु बना दिया, परोपकारी बना दिया, तो ना तेरा कोई शत्रु होगा, ना तू किसी का शत्रु होगा, तू भी सुख से जिएगा, दुनिया को भी सुख से जीने देगा। लेकिन उस मन में ही यदि घृणा पैदा कर दी, द्वेष पैदा कर दिया, पाखंड अंधकार पैदा कर दिया, उसमें ही धर्म के नाम पर जहर घोल दिया, तो पहले तू दुखी होगा और फिर दुनिया को दुखी करेगा। और यही सब कुछ आज हम दुनिया में देख रहे हैं। यूएनओ में जाकर जो देश जितने नजदीक बैठ करके मंत्रणा करते हैं, उनके मन एक दूसरे से उतने ही दूर होते हैं जितने एक दूसरे से देश दूर होते हैं। ये क्यों है? ये है दो तरह की जिंदगी, ये दो तरह की जिंदगी। आज हम मॉडर्न जो लोग हैं, ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत डिग्रियों से उलझे हुए लोग हैं, आज वो दो तरह की जिंदगी जीते हैं। एक जिंदगी है प्राइवेट लाइफ, एक है उनकी पब्लिक लाइफ, और इसे बड़े उत्साह से कहते हैं। और क्या कहते हैं? भाई, प्राइवेट लाइफ में कोई कुछ भी करे, हमने किसी से क्या मतलब है, आदमी की पब्लिक लाइफ ठीक होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं,
जिसकी प्राइवेट लाइफ गंदगी का नमूना है उसकी पब्लिक लाइफ अच्छी कैसे हो सकती है। मैं यहाँ भाषण दूँ आपको, शराब पीना बहुत गलत है और जाते हैं घर पे दारू की बोतल खोल लूँ। यहाँ मैं कहूँ झूठ बोलना बड़ा अपराध है और सारा दिन झूठ बोलूँ। यहाँ कहूँ ईमानदारी की जिंदगी जीनी चाहिए, मौका मिलते चूकू ही ना। तो ये दो तरह की जिंदगी है क्या नहीं? और इसी दो तरह की जिंदगी का दुष्परिणाम आज धरती पर देख रहे, खून खराबा, बम बारूद, खून खराबा, मार धाड़, हत्याएं। ये है मानव की दो तरह की प्रकृति। दो तरह की प्रकृति नहीं, हम एक तरह की जिंदगी जीने वाले देश के लोग हैं। यहाँ भारत के ऋषि गाते थे, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति। जो अंदर है मन में है वो वाणी में आना चाहिए और जो वाणी में है वो कर्म में आना चाहिए। इसका नाम है जिंदगी जीना, सुख से जीना और सुख से जीने देना। ये था भारतीय दर्शन। आज हमने बाहर की प्रकृति को भी तबाह कर दिया और मानव की जो अपनी प्रकृति है उसको भी विचारों से दूषित करके इन युद्धों को दिया, धरती पर खून खराबे को दिया, धरती पर बंटवारे को दिया, धरती पर मानव मानव का शत्रु बन करके खड़ा हो गया। भाइयों और बहनों, आज का ये जो सम्मेलन है इसमें आप अगले आने वाले दिनों जो गोष्ठी उसमें चिंतन करो, विचार करो कि प्रकृति जो है बड़ा कठिन काम है इसको बदलना। स्वभावस्य नास्ति निष्कृति ऐसा लिखा है कि प्रकृति मानव की बदलना सबसे कठिन काम है, लेकिन इसको बदलना, पॉजिटिव करना, सकारात्मक करना ये बेहद जरूरी है। हमारी प्रकृति प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की हो, सहयोग की हो, प्रेम की हो, एकता की हो, तो धरती पर स्वर्ग होगा। चाहे वो घर है, चाहे समाज है, चाहे दुनिया है। मानव का मन पवित्र होना जरूरी है। ये है प्रकृति का चेंज। और वो तरीका क्या? तन में मना शिव संकल्प मस्तु, कि हमारा जो मन है वो हर समय सोचेगा, ये खाली नहीं बैठ सकता। मन से चंचल कोई चीज नहीं दुनिया में। इसकी गति, जितनी गति आज तक साइंटिस्ट कोई रॉकेट बना नहीं सका, कोई जहाज बना नहीं सका, न बना पाएगा। मन से ज्यादा गति का कोई यंत्र दुनिया में बन ही नहीं सकता। आप कलकत्ता गए होंगे, मैंने कलकत्ता बोला तो इतनी देर में हो आए आप वहां पर, मुंबई बोला तो वहां भी हो आए हो, दुबई कहा तो वहां भी हो गए हो, अमेरिका बोला तो वहां भी हो आए कि नहीं? सब जगह बताओ, इतनी स्पीड किसी यंत्र की कैसे होगी? तो मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण, ये बहुत चंचल है। लेकिन यही सुख दुख का केंद्र बिंदु है। यदि ये ठीक बन गया तो ना ये पेड़ काटेगा, ना पानी दूषित करेगा, ना पहाड़ों का दूषित करेगा, ना प्राणियों को दुख देगा, प्रकृति की रक्षा करेगा। और यदि ये मन पवित्र हो गया तो फिर ये हाइड्रोजन बम नहीं बनाएगा, फिर ये प्याऊ खोलेगा पानी पिलाने की, फिर ये हाइड्रोजन और आतंकवाद नहीं, लोगों के दुख के लिए बढ़ते हुए कदम उसको सुख में देने में बदलेंगे। ये कोई ये धर्म के नाम पर आज हम जिन बट करके गड़बड़ कर रहे, इससे बाहर आना चाहिए। हमने धर्म का स्वरूप क्या है? धारणा धर्म इत्याहु, जिसके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क वाला भी सुखी हो, इसका नाम धर्म है। आज हम एक दूसरे को कत्ल करने में धर्म माने बैठे हैं, एक दूसरे का खून पीने में धर्म माने बैठे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में धर्म माने बैठे हैं। इस अहंकार की लड़ाई ने इस विश्व को अशांत बना करके दुखदाई बना दिया। मानव प्रकृति को भी पॉजिटिव करना है तो ये धरती का नेचर तो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। असली चीज इसकी है। एक अंतिम एक छोटी कहानी सुनाकर अपनी बात में खत्म करता हूं। कहते हैं जंगल में एक भिखारी
एक पेड़ के नीचे झोंपड़ी बना करके रहता था। वो भिखारी रात को तो झोंपड़ी में जाके सो जाता जंगल में, और दिन में अहमदाबाद जैसे शहर में आकर भिक्षा मांग लेता। उस बेचारे का ये रूटीन था। जहाँ झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी के उस पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था और एक चिड़िया रहती थी। अब बंदर स्वभाव से बड़ा नेगेटिव होता है, नकारात्मक सोच का होता है, उसकी प्रकृति आप जानते हैं घातक होती है। तो प्रतिदिन की तरह वो बेचारा भिखारी सवेरे उठा, भीख मांग के लिए आपके शहर में आ गया, और पीछे से इस बंदर ने उसकी बेचारे की झोंपड़ी में आग लगा दी। चिड़िया ने कारे बंदर, लोगों के घर बनाए जाते हैं, उजाड़े नहीं जाते, बनाए जाते हैं, जलाए नहीं जाते। तूने तो बहुत बड़ा काम किया, खराब कर दिया। अब तूने आग तो लगा दी, चल इसको बुझाते हैं। तो बंदर ने कहा, यदि मेरे को बुझानी होती तो मैं आग ही क्यों लगाता, क्योंकि उसकी नेचर वैसी थी। चिड़िया ने कहा, सुन, ये जो बराबर से नदी बहती है ना, चल मेरे साथ इससे पानी लेकर के आएंगे और इस आग को बुझाएंगे। बंदर ने कहा, ये काम मेरा नहीं, तूने करना तो कर। अब चिड़िया ने उसकी इंतजार नहीं की, क्या किया, अपने घोंसले से उड़ी और बराबर बहने वाली नदी में गई, चोंच में पानी लिया और उड़ती आई आग पे डालना शुरू किया। फिर जाती चोंच में पानी लेती, फिर आग पे डाला, फिर गई, फिर डाला, पूरा अभियान चला दिया चिड़िया ने। बंदर ने मजाक करते चिड़िया से एक बात कही, और क्या बोला, क्यों भाई चिड़िया, तेरी चोंच के एक बूंद भर पानी से क्या ये प्रचंड ज्वाला बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने गजब की बात कही, बस उसे ध्यान से सुन लेना। चिड़िया ने क्या कहा, ए बंदर, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि मेरी चोंच के बूंद भर पानी से प्रचंड ज्वाला नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन तेरा नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो मेरे आदरणीय श्रोताओं, इस दुनिया में दो प्रकृति के लोग हैं, एक बंदर वाली प्रकृति को लिए बैठे, एक चिड़िया वाली प्रकृति को लिए बैठे। अब ये निर्णय आपने करना है कि दुनिया की सुख के लिए, समृद्धि के, आनंद के लिए, संतोष के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए बंदर वाली सोच की जरूरत है या चिड़िया वाली सोच की जरूरत है। ये निर्णय लेकर आप इस कार्यक्रम से जाएंगे तो हम इस देश और दुनिया को कुछ दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नड्डा साहब को, मैडम गुप्ता को, आप सबको इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्यपाल महोदय जी। जो गहरा नाता है उसके महत्व को बरकरार रखने के लिए, उसके संवर्धन करने के हेतु आवश्यक तत्वों को आदरणीय राज्यपाल जी ने उजागर किया। आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए सीईसी और गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से और आप सबकी तालियों के बीच फिर से एक बार उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अंत में आभार दर्शन के लिए एक बार फिर ईएमआरसी गुजरात विश्वविद्यालय के नियामक श्री नरेश दवे जी को विनती करते हैं। पंद्रहवें प्रकृति फिल्म महोत्सव के उद्घाटन हेतु समय निकालकर प्रेरणा प्रदान करने हेतु माननीय राज्यपाल श्री आचार्य जी देवव्रत जी को धन्यवाद करता हूं। आप यहां पर पधार और आपने हमें मार्गदर्शित किया। सीईसी के निदेशक प्रोफेसर जगत प्रकाश जी नड्डा जी ने भी हमें यहां आके प्रोत्साहित किया और ये पूरे कार्यक्रम को करने में हमें जो
सहायता और इससे भी हमें प्रोत्साहित जो किया उसके लिए सर का मैं आभारी हूँ। हमारे इस पूरी व्यवस्था के लिए नेहरू सर ने भी हमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध की, इसके लिए उनका भी आभारी हूँ। विशेष आभार महा विश्वविद्यालय गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री डॉक्टर निर्जा जी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं बाहर, पूरी व्यवस्थाएं ये फिल्म महोत्सव के लिए हैं, वो उनके मार्गदर्शन पर ही ये हुआ है और उनके सपोर्ट से हुआ है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम का आयोजन जब हम कर रहे हैं तब अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट और मनोबल बढ़ाने का काम नहीं होता तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ये मुझे समझ में अभी आया है इस बार। तो मैं विशेष आभारी हूँ और आप यहाँ पर सब पधारे और EMRC डायरेक्टर्स जो पूरे देश के विभिन्न शहरों से आए हुए हैं उन सभी का मैं आभारी हूँ और निर्मातागण जो फिल्म इस 3 दिन तक यहाँ दिखाई जाएगी उसके निर्देशक है, डायरेक्टर्स और बाकी जो क्रू मेंबर्स हैं उन लोगों का भी मैं आभारी हूँ। आप आ गए और ये समारोह की जो पूरी गरिमा है उस गरिमा को बढ़ाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के अलग अलग फैकल्टीज़ के जो स्टूडेंट्स सब यहाँ पर पधारे हैं तो उनका भी मैं आभारी हूँ। जय जय गरवी गुजरात, जय भारत। धन्यवाद। आप सबको फिर एक बार सूचित कर दें, इस समापन समारोह का उद्घाटन समारोह का समापन राष्ट्रगीत से होगा और उसके पश्चात हम सब अपना स्थान बनाए रखेंगे जब तक कि आदरणीय महानुभाव मंच से विदा लें। उसके बाद 20 मिनट का अंतराल रहेगा अल्पाहार के लिए और फिर यहाँ पर फिर से एकत्रित होंगे डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग सेशन के लिए। और अब राष्ट्रगान के लिए हम सब अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। जनगण मयत जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद।